हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कि हैप्पी और उसके फ्रेंड्स एक कैफे में अपने प्लान के सक्सेस होने की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। देन तभी हैप्पी मिली से पूछता है कि सडनली उसके डैड इतने ज्यादा अमीर कैसे हो गए, और मिली की इतनी ज्यादा सिक्योरिटी को देखने के बाद तो हैप्पी का मिली से पूछताछ करना बनता ही है। देन मिली कहती कि वो ना एक्चुअली मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा रिच है और उन्होंने ये सारा कुछ मेरे डैड को गिफ्ट किया है एज अ वेडिंग गिफ्ट, इसीलिए वो इतने ज्यादा अमीर हो गए हैं। देन ये सुनने के बाद तो हैप्पी भी एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है। देन वो मिली को पूछता है कि ऐसा कौन सा लड़का चूज किया है तुम्हारे डैड ने तुमसे शादी करने के लिए जो इतना ज्यादा अमीर है। देन मिली कहती कि वो तो मुझे नहीं पता, पर वो ना बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब एक्चुअली मैं ना मिली यहाँ पे ही ग्रुप का नाम नहीं लेती है, क्योंकि अगर उसने ही ग्रुप का नाम लिया तो हैप्पी फटाक से उसकी सच्चाई जान जाएगा, और अगर अभी हैप्पी को सब कुछ पता चल गया तो ड्रामा आगे कैसे बढ़ेगा। देन हैप्पी कहता है कि आई एम श्योर कि वो लड़का ना अभी तक तुमसे मिला नहीं है, क्योंकि अगर वो तुमसे मिला होता ना तो तुम्हारी हरकतों को देखने के बाद तुम्हारे डैड को गिफ्ट देना तो दूर की बात, वो उल्टा तुम पर केस करता उसे मेंटली और फिजिकली हार्म करने के लिए, क्योंकि बेचारे हैप्पी तो पहले से ही ये सारा कुछ झेल चुका है। वही मिली भी अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट कहाँ सुनने वाली थी, तो वो हैप्पी के गले में जो स्कार्फ होता है उसे पकड़ लेती है। देन हैप्पी का गला दबाने लगती है और हैप्पी को कहती है कि मुझे ना पता है कि तुमने मेरी हेल्प की है, अदरवाइज आई विल किक यू राइट नाउ। वही फंगस, शाशा और यान भी इनकी इस क्यूट सी फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। देन मिली हैप्पी को कहती है कि मैं ना तुम्हारे लिए काम करती हूँ, चलो इस बार तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर बेटर है कि तुम ना ये याद रखना। वही फंगा और यान पर भी मिली और हैप्पी का साइड इफेक्ट हो जाता है। देन दोनों बातों ही बातों में झगड़ने लगते हैं। सिचुएशन को देखते हुए हैप्पी को तो वहाँ से निकलने में ही भलाई लगती है, और वो मिली को कहता है कि चलो हम यहाँ से खिसक लेते हैं। देन वो और मिली वहाँ से वॉशरूम का बहाना बनाकर खिसक लेते हैं, और उनके जाने के बाद ही शाशा भी वहाँ से निकल लेता है। वही फंगा और यान अपनी फाइट में ही बिजी होते हैं, पर जैसे ही फंगा को रियलाइज होता है कि हैप्पी, शाशा और मिली तो वहाँ है ही नहीं, देन वो एक वेट्रेस से पूछता है कि यहाँ जो बंदा और बंदी बैठे थे वो कहाँ पर है। देन वो वेट्रेस कहती है कि वो तो चले गए। देन फंगा उसे बिल के बारे में पूछता है कि क्या वो लोगों ने बिल पे किया। देन वेट्रेस कहती है कि नहीं। अब तो बेचारी फंगा की बात ही लग जाती है, क्योंकि उन्होंने जो भी सारा कुछ ऑर्डर किया था उसकी पेमेंट तो अब उसे ही करनी पड़ेगी। बेचारा शी शिफ्ट होता है फंक्टन के ऑफिस में, जहाँ मिस्टर ए आते हैं जो फंक्टन की तरफ एक फाइल थ्रो करते हैं। देन फंक्टन उसे देखता है और उन्हें कहता है कि इसका क्या मतलब। देन मिस्टर ए फंक्टन के पास आकर बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा। हाँ मैंने तुम्हें वॉर्न भी किया था कि तुम मिली से दूर रहना, पर नहीं तुमने तो सुना ही नहीं, और अब मैं जो भी कर रहा हूँ ना उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। देन फंक्टन कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मिली से मिला ही नहीं, पर मिस्टर ए कहते हैं कि नहीं तुम फिर से मुझसे झूठी बोल रहे हो, मुझे बता दो कि मिली कहाँ पर है। पर बेचारे को पता ही नहीं है कि मिली कहाँ है तो वो बताएगा क्या, पर मिस्टर ए को तो सच भी झूठ लग रहा होता है। देन वो कहते हैं कि ठीक है, तो जो भी मैंने तुम्हें दिया है ना, इंक्लूडिंग ये कंपनी जो तुम चला रहे हो ना, अभी मैं तुमसे वापस लेता हूँ। देन फंक्टन कहता है कि ओके मुझे भी अब कुछ नहीं चाहिए, और ये मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि इसके बाद मैं और मिली फिर से एक साथ हो जाएंगे। देन मिस्टर ए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जब मिली को पता चलेगा कि तुमने उसकी जगह पैसों को चूज किया था तो क्या वो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद करेगी। और वो जाते हुए फंक्टन को वॉर्न करते हैं कि अगर आज शाम तक मिली वापस घर नहीं आई तो अब मेरा लॉयर ही तुमसे बात करेगा। देन सीन शिफ्ट होता है और अब मिली को देखते हैं जो फाइनली हैप्पी के घर वापस आती है, और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। देन वो कहती है कि ओ मैंने तो इस घर को बहुत ही ज्यादा मिस किया। देन हैप्पी कहता है कि अब ना मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में शांति वापस आ ही नहीं सकती। तो मिली कहती है कि अच्छा सच्ची सच्ची बताना, हाँ जब मैं यहाँ नहीं थी तो तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा मिस किया होगा ना। तो हैप्पी कहता है कि जब तुम यहाँ नहीं थी ना और मैं तुम्हारे बारे में सोचता था कि अब फाइनली मुझे तुम्हारी शक्ल फिर से देखने को नहीं मिलेगी, तो सीरियसली मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती थी ना कि मैं क्या ही बोलूं। पर पता नहीं सडनली मुझे क्या हुआ कि मैंने तुम्हारा फोन कॉल आंसर कर दिया, और सबसे बड़ी गलती तो ये की कि तुम्हें बचाकर वापस अपने घर ही ले आया, और पता नहीं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आई थिंक तुम्हारे साथ रहकर ना मैं भी थोड़ा पगला सा गया हूँ। वैसे बात तो बंदे ने करेक्ट ही गई है। देन मिली कहती कि ओ ऐसा है क्या, और वो उसे धक्का दे देती है जिससे हैप्पी सोफे पर गिर जाता है, और मिली भी उसके पास बैठ जाती है और उसे कहती है कि चलो हम ये सब इग्नोर करते हैं, और वो उसे कहती है कि मैं ना तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, और वो हैप्पी को पैसे देती है। एक्चुअली में ये वही पैसे होते हैं जो मिली के डैड ने उसे शॉपिंग करने के लिए दिए होते हैं, बट अब शॉपिंग तो हुई नहीं तो मिली ने सोचा चलो इनसे अपना कर्जा ही पटा देते हैं। देन हैप्पी कहता है कि ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से। देन मिली कहती है कि ये मेरी शादी का गिफ्ट है। तो हैप्पी कहता है कि देखो मैं ना ऐसे गंदे पैसे को टच भी ना करूं, लेना तो दूर की बात है। अब मिली उसके सामने पैसों को और भी ज्यादा हिलाने डुलाने लगती है। देन उसे कहती है कि देखो ये ना US डॉलर है, तुम इन्हें मना कैसे कर सकते हो। हाँ
देन हैप्पी कहता है कि यूएस डॉलर हो या कुछ भी हो, आई डोंट केयर, और ऐसा है ना कि तुमने जो मेरे पैसे उड़ाए हैं वो मेरी मेहनत की कमाई के थे, ऐसे कहीं से भी उठा के नहीं लाया था, तो तुम्हें भी अपनी मेहनत से पैसे कमाने होंगे और मुझे देने होंगे, अंडरस्टैंड। देन मिली हैप्पी को फोर्स कर रही होती है पैसे लेने के लिए, पर हैप्पी उन पैसों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो मिली कहती है कि तुम ना इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी खो रहे हो, बट कोई ना, मैं ही इन्हें रख लेती हूँ और खुद पर ही खर्च कर लूंगी। देन तभी दरवाजे की बेल बजती है, तो मिली जाके दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर होती है हैप्पी की मॉम, जो गुस्से में अपने घर को छोड़कर हैप्पी के घर आ जाती है, क्योंकि वो और कहीं तो जा नहीं सकती। और वो जैसे ही मिली को देखती है तो वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और अंदर जाने लगती है। वहीं हैप्पी अपनी मॉम को देखकर एकदम ही शॉक हो जाता है। देन वो हंसते हुए पूछता है कि मॉम आप यहाँ पे क्या कर रही हो, और वो उन्हें बैठने का बोलता है। तो हैप्पी की मॉम उसे पूछती है कि क्या तुम इसकी वजह से नाना को चीट कर रहे हो, तो हैप्पी कहता है कि नहीं तो। देन हैप्पी की मॉम कहती है कि तो ये यहाँ पे क्या कर रही है। देन हैप्पी सोचता है कि वो क्या रीजन बताए कि मिली यहाँ पे क्या कर रही है। देन वो कहता है कि वो ना मॉम, ये सिस्टरों की कजन है, पर हैप्पी की मॉम को उस पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो पता ही है कि उनका बेटा कितना बड़ा झूठा है। देन वो हैप्पी को मिली से पीछे छुड़ाने का बोलती है, तो हैप्पी पहले तो मना करता है पर बाद में ओके बोल देता है, और वहीं मिली भी हैप्पी की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। देन मिली हैप्पी को इशारा करती हुई कहती है कि मैं ना ऊपर रूम में चली जाती हूँ, और वो वहाँ से जाने लगती है, पर हैप्पी की मॉम उसे ऊपर जाती हुई देख लेती है और वो हैप्पी को कहती है कि क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो, हाँ ठीक है तुमसे नहीं होगा ना, मैं ही इसे यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ। पर हैप्पी उन्हें रोकता है और कहता है कि मॉम मॉम आप पहले मेरी बात तो सुनिए, और वो अपनी मॉम को कहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि मैं इस मेड की वजह से आपसे झूठ बोलूंगा, हाँ और आप मेरे और उस मेड के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि हम एक साथ भी हो सकते हैं, ये तो आप मेरी इंसल्ट कर रही हो, कहाँ वो मेड और कहाँ मैं। देन हैप्पी की ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी मॉम भी उस पर यकीन कर लेती है, और वो हैप्पी को मिली से दूर रहने का बोलती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं अमीर बंदा देखकर मिली उनके बेटे को फंसा ना ले। देन हैप्पी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, वो ना एक्चुअली वो मेरी पेशेंट है, उसका दिमाग ना थोड़ा सा हिला हुआ है, मैंने उसे यहाँ पर इसीलिए रखा है ताकि मैं उसका ट्रीटमेंट कर पाऊँ, और मैं उसकी हेल्प भी करना चाहता हूँ। देन हैप्पी की बातें सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है कि ओ मेरा बेटा कितना अच्छा है, मैं तो एवं ही तुम पर शक कर रही थी, पर तुम नाना से मिलने उसके घर क्यों नहीं गए। तो हैप्पी कहता है कि वो मैं बिजी था मॉम। तो हैप्पी की मॉम उसे सारा कुछ बताती है कि उनके साथ क्या हुआ, और वो उसे बताती है कि उसके डैड ने उन्हें घर से निकाल दिया। देन वो थोड़ा सा नमक मिर्च ऐड करती है और कहती है कि उसके डैड ने ना उन्हें थप्पड़ भी मारा। ये सुनने के बाद हैप्पी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। देन वो कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो अपनी मॉम से माफी भी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से ये सारा कुछ हुआ था। देन हैप्पी की बातों को सुनने के बाद उसकी मॉम उसे और भी ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, और वो हैप्पी को नाना से शादी करने के लिए मना ही लेती है। देन ये सब होने के बाद हैप्पी ऊपर मिली के रूम में जाता है। अब हैप्पी मिली को ये तो नहीं बता सकता कि उसने अपनी मॉम को ये बताया है कि मिली को मेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सुनने के बाद पता नहीं मिली उसके साथ क्या करेगी, इसलिए वो मिली को उल्टा बताता है कि उसकी मॉम को ही मेंटल प्रॉब्लम है, इसलिए अगर मेरी मॉम तुमसे कुछ करने को कहे ना तो तुम थोड़ा अबनॉर्मल सा बिहेव करना, उन्हें नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट मत करना, हाँ। देन मिली कहती है कि जब मैं उन्हें मिली थी मुझे तो वो बिल्कुल ठीक ही लग रही थी। तो हैप्पी कहता है कि अभी मैं तुम्हें ये सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर जो भी वो तुमसे करने को कहे ना तुम ऐसे दिखाना जैसे कि तुमने सुनाई नहीं, ओके, और मेरे आने का वेट करना। देन वो वहां से चला जाता है। आगे हम यान को देखते हैं जिसके घर फंक्शन आता है, जो बहुत ही डिप्रेस्ड होता है मिस्टर ए की बातों की वजह से। तो यान भी फंक्शन की कंडीशन को देखते हुए उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने लगती है, तो फंक्शन भी उसके कंधे पर एज अ फ्रेंड सर रख लेता है। और तभी पंगा भी यान के घर आता है, जो की फंक्शन और यान को ऐसी कंडीशन में देखने के बाद पता नहीं क्या खिचड़ी पका लेता है, और वो फंक्शन को एक जोरदार पंच मारता है। देन यान उसे रोकती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ। तो फंगा कहता है कि मैंने क्या किया, हाँ मैंने जो किया वो तुम्हें दिखा, और तुम दोनों जो कर रहे थे वो क्या था, हाँ, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। देन फंक्शन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसे गलत बे में ले जा रहे हो। तो फंगा कहता है कि क्या मैंने तुम्हें पूछा, हाँ, और वो फिर से फंक्शन को मारने जाने लगता है। तो यान कहती है कि तुम पागल हो गए हो, और उसे घर से जाने का बोल देती है। तो फंगा भी गुस्से में वहां से चला जाता है। देन बेचारा फंक्शन यान से माफी मांगता है क्योंकि ये सारा कुछ उसी की वजह से हुआ था, पर यान कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। देन हम इक्वा और उसके डैड को देखते हैं, जहाँ इक्वा कहता है कि अब तो नाना के डैड हमारे साथ डील साइन करने से रहे, तो हमें आगे क्या करना चाहिए, जबकि हम इस प्रोजेक्ट पर पहले ही बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम EMT ग्रुप की बेटी से शादी करने के लिए मान जाओ तो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो इक्वा कहता है कि मैं EMT के चेयरमैन से जाकर खुद बात कर लूंगा और उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए मना लूंगा, देन उन्हें ये भी बता दूंगा कि मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। तो उसके डैड कहते हैं कि जब तुम उनकी बेटी से शादी ही नहीं करोगे तो वो इतना सारा पैसा तुम्हें क्यों देंगे, हाँ।
देन सीन कट होता है और हम देखते हैं नाना को, जिसे हैप्पी कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और नाना भी एकदम खुशी खुशी उसे मिलने के लिए जाने लगती है। देन हम मिली को देखते हैं, जिसे बहुत जोर से प्यास लग रही होती है और वो पानी लेने के लिए नीचे आती है, पर हॉल में तो हैप्पी की मॉम होती है। देन मिली धीरे से पानी लेने के लिए जाती है, पर हैप्पी की मॉम उसे देख लेती है और वो मिली को अपने पास आने का बोलती है, तो मिली भी उनके पास जाकर जमीन पर बैठ जाती है। अब वो तो वैसा ही करेगी जैसा कि हैप्पी ने उसे करने को कहा था। तो हैप्पी की मॉम कहती कि अरे तुम नीचे क्यों बैठ गई। हाँ, देन वो उसे खड़ा होने का बोलती है, तो मिली जल्दी से उठकर पहले पानी लेने के लिए जाती है। देन वो हैप्पी की मॉम को पानी ऑफर करती है, पर वो तो पानी लेती नहीं है, तो मिली खुद ही उसे पी लेती है क्योंकि उसे तो पहले ही बहुत तेज प्यास लग रही होती है। देन हैप्पी की मॉम कहती है कि तुम ना हैप्पी की मेड की जॉब के लिए एकदम ही फिट नहीं हो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना वो मैं तुम्हें दे दूंगी, और मिली को यहाँ से जाने का बोलती है। तो मिली उनसे अजीब सी बातें करने लगती है कि लाइक पैसा तो सब कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लाइक एटसेट्रा एटसेट्रा। देन हैप्पी की मॉम उसे गुस्से में बोलती है कि तुम यहाँ से जाती हो या नहीं। तो मिली जल्दी से वापस अपने रूम में जाने लगती है, तो हैप्पी की मॉम उसके जाने के बाद कहती है कि ये तो सच में ही पागल है। देन सीन कट होता है। देन हम देखते हैं इक्वा को, जो अपने डैड के साथ मिस्टर ए से मिलने होटल आता है। दरअसल ये डेट तो मिली और इक्वा के लिए फिक्स की होती है, पर मिली तो रफ चक्कर होली थी, तो मिस्टर ए को ही सारा कुछ संभालने के लिए आना पड़ा। और वो फिर से कहते हैं कि वो मेरी बेटी को कुछ काम आ गया था, तो उसे वापस अमेरिका जाना पड़ा। और हम क्विन क्विन को देखते हैं, जो उन्हें सर्व कर रही होती है। वही मिस्टर ए इक्वा की तारीफ करने में लगे होते हैं कि लाइक मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि मुझे ऐसा सन इन लॉ मिल रहा है, ये कितना ज्यादा हैंडसम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही इक्वा उन्हें इस शादी से मना करने वाला होता है, पर उसके डैड उसे कुछ बोलने ही नहीं देते और वो बिजनेस की बातें करने लगते हैं। देन हम हैप्पी को देखते हैं, जो नाना से मिलने के लिए एक कैफे में आता है और उसे कहता है कि हमारे बीच जो भी कुछ है ना, वो बस हमारे फैमिली बिजनेस की वजह से है। तो नाना कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने डैड को कन्विंस करूं कि वो तुम्हारे ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। हाँ, पर इससे मुझे क्या फायदा। देन हैप्पी कहता है कि इससे दोनों ग्रुप्स को बेनिफिट होगा, और मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं तुमसे शादी करने के लिए। देन नाना कहती है कि मी टू, मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने ना बहुत सी ब्लाइंड्स डेट पर भेजा है, उन्हें तो बस एक परफेक्ट दामाद चाहिए, इसलिए मैंने ना उन्हें ऐसा दिखाया कि जैसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ताकि मुझे और ज्यादा ब्लाइंड डेट पर ना जाना पड़े। तो हैप्पी कहता है कि तुम्हें डेट्स पर ना जाना पड़े इसलिए तुमने मुझे यूज किया। हाँ, तो नाना कहती है कि हम तो बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो हम एक दूसरे की हेल्प तो कर ही सकते हैं ना, क्यों ना हम एक डील करें। तो हैप्पी कहता है कि कैसी डील। तो नाना कहती है कि तुम ना ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि तुम मेरे फियांसे हो, और मैं डैड को कन्विंस कर लूंगी कि वो तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। देन हैप्पी कहता है कि तुम्हें मैं ही मिला, और भी तो बनने हैं तुम्हारे फियांसे की एक्टिंग करने के लिए। तो नाना कहती है कि पहली बात तो ये कि मैं बहुत से बंदों से मिली, पर सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया, और सेकंड ये कि मैं हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ, पर मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब तक मेरी एंगेजमेंट नहीं हो जाती तब तक वो मुझे जाने नहीं देंगे। तो तुम मुझे अब्रॉड जाने में मेरी हेल्प करना, और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी अपने डैड को कन्विंस करने में कि वो तुम्हारे डैड के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। तो हैप्पी भी डील डन कर लेता है। देन हम मिली को देखती है, जो अपने रूम में होती है। देन तभी हैप्पी की मॉम उसके रूम में आती है और उसे फिर से जाने का बोलती है, और मिली मन में सोचती है कि उसे हैप्पी ने कहा था कि इन्हें ना मेंटल प्रॉब्लम है, पर तभी हैप्पी की मॉम उसे फिर से कहती है कि तुमने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा। तो बेचारी मिली जाने लगती है। देन जैसे ही वो नीचे आती है तो वो हैप्पी की मॉम को गले लगा लेती है। तो अब हैप्पी की मॉम तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि ये क्या कर रही है, और वो जल्दी से मिली को दूर कर देती है और उसे जाने का फिर से बोल दिए। तो अब मिली के पास और कोई रास्ता तो होता नहीं है, तो वो ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे कि वो अभी टैक्सी में बैठी है और अभी एयरपोर्ट पहुंच गई। देन उसे सडनली याद आता है कि उसके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, तो वो यूएस कैसे जाएगी। वहीं हैप्पी की मॉम मिली को ऐसी हरकतें करती हुई देखकर मन में सोच रही होती है कि ये आखिर कर क्या रही है, क्योंकि हैप्पी ने उन्हें बताया है कि मिली को मेंटल प्रॉब्लम है, और बेचारी वो तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। देन तभी हैप्पी आता है, तो मिली उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मॉम की याददाश्त कमजोर है, हाँ उन्हें मेंटल प्रॉब्लम है, पर पक्का वो तो मेरी जान लेकर ही मानेंगी। देन तभी हैप्पी अपनी मॉम के पास जाता है, जो कि बेचारी बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा देखो ना ये क्या कर रही है, क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। देन हैप्पी कहता है कि मॉम आपने इसे कुछ कहा है क्या। तो उसकी मॉम कहती है कि वो ना जब तुम यहाँ नहीं थे तो मैंने इसे यहाँ से जाने का बोला था, और वो मान भी गई थी, पर पता नहीं सडनली इसे क्या हो गया और ऐसी हरकतें करने लगी। वहीं मिली भी अपनी एक्टिंग में बिजी होती है। तो हैप्पी अपनी मॉम से कहता है कि डोंट वरी मॉम मैं देखता हूँ। देन वो मिली के पास जाता है और उसे अपनी मॉम के लिए खाना बनाने का बोलता है। तो मिली भी जल्दी से कहती है कि ओ हाँ हाँ मुझे तो खाना बनाना है ना, और वो जल्दी से किचन में खिसक लेती है।
वहीं हैप्पी भी अपनी मॉम को थोड़ा काम डाउन करवाता है और उन्हें उनके रूम में ले जाता है। देन उन्हें कहता है कि आज मैं नाना से मिला था और मैंने सारा कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है, कल हम साथ में फैमिली डिनर करेंगे। वहीं हम इक्वा और मिस्टर ही को देखते हैं जो मिस्टर ए से मिलने के बाद जा रहे होते हैं। तो इक्वा अपने डैड को पहले जाने का बोलता है और कहता है कि मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अभी अपने एक फ्रेंड से मिलना है, देन वो बाद में आएगा। और उसकी वो फ्रेंड होती है क्विंग क्विंग। तो इक्वा उसके पास जाता है और उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है, पर क्विंग क्विंग उसकी बात ही नहीं सुनती और वो उसे रोते हुए कहती है कि तुम अभी मेरे साथ हो पर शादी किसी और से कर रहे हो, हाँ तुम मुझे क्या समझते हो। देन इक्वा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे डैड मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करूंगा। देन क्विंग क्विंग कहती है कि क्या ये तुम अपने डैड के सामने बोल सकते हो, हाँ नहीं ना, ओके मिस्टर ही, अब आप मेरी फीलिंग के साथ और ज्यादा नहीं खेल सकते। देन वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वही हैप्पी अपनी मॉम के सोने के बाद मिली के पास आता है तो मिली उसे पूछती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, हाँ कि तुम्हारी मॉम को मेंटल प्रॉब्लम है, मुझे तो उनकी मेमोरी तुम्हारी मेमोरी से भी ज्यादा बेटर लगती है, उन्होंने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया ये बोल बोल कर कि तुम यहाँ से जाओ तुम यहाँ से जाओ, मैं पता भी है तुम्हें कितना थक गई हूँ ये एक्ट करते करते। देन हैप्पी मिली को मसाज करने का ऑफर करता है और मिली भी पटाख से हाँ बोल देती है। देन हैप्पी मिली की मसाज करने लगता है और थोड़ी देर बाद ही हैप्पी को लिसा का कॉल आता है जो उससे अपने प्यार को कन्फेस करती है और हैप्पी को आई लव यू बोलती है। अब आई लव यू सुनने के बाद तो हैप्पी के तोते ही उड़ जाते हैं और उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। वही मिली जो उसके कान से चिपकी होती है वो हैप्पी की तरफ हार्ट शेप और कुची मुची टाइप्स इशारे करने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अच्छा कमेंट करके बताना हाँ कि हैप्पी का आंसर क्या होगा। एंड सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सायोनारा।